प्यारे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज मैं अपने बड़े प्यारे दोस्त नाब अलहाज मोहम्मद नईम शफी साहब और हाजी मोहम्मद वसीम शफी साहब की छत पर मौजूद हूँ। आज शौक करते करते मेरे दिल में आया कि इनके मशहूर ज़माना कबूतरों का शौक आप लोगों को भी करवाया जाए, तो मैंने वसीम भाई से ये इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि अपना फेवरेट कबूतर जो है वो पकड़ के दिखाएं, तो आपको दो या तीन नस्लों का इंशाल्लाह ताला शौक करवाते हैं। तो सबसे पहले जो वसीम भाई के हाथ में ये एक स्लेटा मगर कबूतर है, मैं चाहूँगा कि आप इसको फोकस करें ज़रा और वसीम भाई इसके बारे में बताते हैं आपको। ये आप इसकी आँख देख सकते हैं, ये आप इसकी आंख देख सकते हैं, ये अपना रेड आइज कबूतर है। तो इसका कलर देखें माशाल्लाह, ये स्लेटे जो हैं ये वसीम साहब और नईम साहब के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल के इन कबूतरों को किसी और छत पर इतना अरूज मिला हो या किसी और छत पे इन्होंने इतना रिज़ल्ट दिया हो, लेकिन यहाँ पर तो ये मतलब हर दिल अज़ीज़ बने बैठे हैं। आप इसका पर देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त इसका पर है। और नाज़रीन, आपको दुम भी नज़र आ रही है, बिल्कुल बंद दुम का। ये ब्रीडर कबूतर है, हालांकि ब्रीडर कबूतर अपना आप छोड़ जाते हैं, लेकिन ज़बरदस्त एक इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, पंजे आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बारीक पंजे और खुश्क हैं। तो इस कबूतर में हर तरह के जो अच्छे कबूतरों की निशानियां हैं वो मौजूद हैं। वसीम भाई क्या कहते हैं इसके बारे में, ये इसका मतलब इसके बच्चों का और क्या रिज़ल्ट है इस ब्रीड का? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी है दीप साहब, आपने इसके बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन आपने मांगी और जो है ना पूछा कि आपका पसंदीदा कबूतर कौन सा। जी जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन कह लें कि मेरा जो शौक है उस हिसाब से मुझे कोई 27 साल हो गए हैं, 28 साल शौक करते हुए। जी माशाल्लाह। तो मैंने आज तक जो है ना 28 सालों में कभी किसी को ये नहीं बताया कि मेरा शौक वाला परिंदा कौन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये पहली बार जो है ना ये आपने इस तरह पूछा और मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मेरे शौक़ वाला है। और इसमें जो है ना जो दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पसंद आई और मज़ा आया। जी जी, बाकी भी सारे ही हैं मगर इसके तकरीबन 3 से 4 जो है ना वो इसके बच्चे उड़ाए हैं जी, बड़े भी और छोटे भी। और रिज़ल्ट इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये आया कि ये तकरीबन 3 दिन में ये शाम को जो है ना चले जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और वापसी भी इनकी ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल अभी जो है ना जेठ चल रहा है, तकरीबन 41, 42, 44 टेम्परेचर जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 44 टेम्परेचर तक भी जो अभी तक चल रहा है ये शाम को बैठते हैं बिल्कुल बिल्कुल सादे। ये हमारे बात करते करते अलहाज मोहम्मद नईम शफी साहब भी तशरीफ ले हैं, हमारी खुशकिस्मती आजकल पाकिस्तान में है। तो सर क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान का इस दफा इरादा शौक करने का इरादा तो है, लेकिन मैं बीच में वापस जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलें अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे। तो शैकिन, ये आप छत का मंजर देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत वसी और अरीज़ शौक है। और वसीम भाई तकरीबन हर सीज़न में हर टूर्नामेंट में एंट्री करवा रहे हैं, हमारी दुआएं इनके साथ। बेस्ट ऑफ लक वसीम भाई, नईम भाई, अल्लाह हाफिज़।